हाय स्वीट फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। मैं हूँ प्रीति वाली। मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग को ये मेरा गोल्डन गोल्डन हेयर कलर दिख रहा है, इसका वीडियो मैंने पोस्ट कर दिया, प्लीज़ चेक कर लेना। और फेशियल प्रेशर पॉइंट क्या होता है, मेरे व्यूवर्स ने मुझसे पूछा था, तो वो मैंने अपने ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स में बता दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चेक कर लेना। और हम पार्लर कोर्स जिसको जिसको सीखने में इंटरेस्ट हो उन लोगों को मुझे बताते जाइएगा कि मैं ऑनलाइन लाइव आके ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स सिखाती हूँ, तो आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए और भी लोगों को शेयर कीजिए जिसको भी पार्लर का कोर्स सीखने में इंटरेस्ट हो। तो आज मैं बताने वाली हूँ ब्राइडल आई मेकअप किस तरीके से किया है, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके बताती हूँ मैं। तो आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा अच्छे से सीखने के लिए, और इनका फाइनल लुक भी देखने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया ना, नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों को मिल जाए। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले एम्ब्रॉयडर का मैं आई मेकअप स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कंसीलर लगा दिया है, सॉरी प्राइमर लगा दिया है लैक्मे 925 का। उसके बाद मैंने आईब्रो पेंसिल लगाई है, पेंसिल को अच्छे से सेट करूँगी। फिर आई शेडो पैलेट में से ब्लैक कलर का आई शेडो लेके इनकी आईब्रो को फिल करूँगी अच्छे से। तो इस तरीके से आईब्रो पेंसिल को सेट कर लिया है। अभी आईब्रो जो आईब्रो ब्लैक कलर का जो आई शेडो होता है उससे आईब्रो की शेप बहुत अच्छी आ जाती है, तो उसको इस तरीके से अप्लाई करना है। मैंने यहाँ पे आई शेडो पैलेट ले लिया है, उसमें से ब्लैक कलर का आई शेडो लूँगी और इस तरीके से अप्लाई करूँगी। सब कुछ यहाँ पे लैक्मे 925 का ही यूज़ कर रही हूँ मैं। लैक्मे का प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे लैक्मे का प्रोडक्ट, बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहता है, वाटर प्रूफ है, बहुत ही सारे प्रोडक्ट इसके अच्छे हैं। मुझे बस इसका काजल पसंद नहीं है, क्योंकि काजल इसका बहुत ही लाइट होता है, डार्क नहीं आता है इसलिए। तो इस तरीके से मैंने इनका आईब्रो सेट कर लिया है। उसके बाद मैं कंसीलर ले रही हूँ, कंसीलर भी लैक्मे 925 का ही है। और इस तरीके से जो हमने आईब्रो का शेप बनाया था उसके नीचे इस तरीके से कंसीलर को लगा देंगे। कंसीलर लगाने से क्या होता है कि आपका जो आईब्रो का बेस होता है वो अच्छे से रेडी हो जाता है, और जो भी आप कलर इस पर आई शेडो अप्लाई करते हो अच्छे से उभर के आता है, मतलब अच्छा दिखता है पूरा। तो इस तरीके से कंसीलर को लगा लेंगे आईब्रो के नीचे ऊपर पूरा इस तरीके से, ओके। और फिर मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से, मेकअप ब्लेंडर की मदद से अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूँगी। मेकअप में ब्लेंडिंग का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। बहुत ही प्यारी लग रही थी सांवली गर्ल्स का मैंने यहाँ पे ब्राइडल मेकअप किया था, बट इनको अपना चेहरा पूरा नहीं दिखाना था, इस वजह से मैंने पूरा वीडियो नहीं डाला है, ओके। गांव का माहौल है तो आप लोग समझ सकते हो गाइस। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको ब्लेंड कर लिया है, और इसी वजह से मैं आई शेडो पैलेट में से पीच कलर का आई शेडो लेके इनकी कट क्रीच एरिया पे जो आई बोन्स होते हैं वहाँ पे अप्लाई करेंगे, आई बोन्स के जस्ट नीचे इस तरीके से कुछ शेप देते हुए अप्लाई करेंगे। जब तक आपको अपना परफेक्ट कलर ना मिले तब तक आप अप्लाई करोगे। उसके बाद से जब आप ये वाला कलर अप्लाई कर लोगे थोड़ा सा डार्क कलर लेके इस तरीके से अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद से इस कट क्रीज बनाने के लिए आपको आई शेडो की कंसीलर यूज करेंगे। आई शेडो की कट क्रीज बनाने के लिए कंसीलर यहाँ पे इस तरीके से एक अच्छी सी लाइन बना देंगे हाफ आईज पे, ओके। तो इस तरीके से इसके ऊपर मैं गोल्डन कलर का आई शेडो अप्लाई करूँगी आई लिड पे, अपने गोल्डन कलर का आई शेडो लेके इस तरीके से अप्लाई कर लेंगे। ओके, बहुत ही प्यारा लुक आएगा, आप वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा पूरा अच्छे से सीखने के लिए। एक बच्ची से मैंने कैमरा पकड़वाया था तो व्हील्स आया, तो प्लीज़ डोंट माइंड गाइस। तो इस तरीके से अप्लाई कर लेंगे, फिर से अपना डार्क पीच कलर वाला कलर लेके इस तरीके से अप्लाई करेंगे आईब्रो के इनर कॉर्नर पे इस तरीके से, तो सिल्वर कलर का आई शेडो लेके इस तरीके से अप्लाई कर लेंगे। फिर ADH का यहाँ पे मैंने सीमर अप्लाई किया है, तो सीमर ADH का लेके अप्लाई करेंगे। अभी तो मैं आई शेडो पैलेट में से ही अप्लाई कर रही हूँ। आई होप आप लोग को वीडियो देख के समझ में आ रहा होगा। इस ये कैमरा इधर उधर कहाँ लेके चली गई है। तो ADH का यहाँ पे मैंने आई शेडो लिया, पहले हाईलाइटर में आईब्रोज के नीचे
अप्लाई कर दूँगी। हाइलाइटर बहुत ही ज़रूरी पार्ट है, तो हाइलाइटर स्किप नहीं करना है, हाइलाइटर ज़रूर लगाइएगा। मेकअप में जहाँ जहाँ हमारी हाईलाइट पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे हाइलाइटर लगाना ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से अप्लाई कर लिया है, ओके, ब्रश की मदद से मैं इसको अच्छे से लगा ले रही हूँ हाइलाइटर को। और मुझसे मतलब पूछते हैं मेरे व्यूअर्स कि मैम सांवले मीडियम कलर, तो सबके लिए कंसीलर उनकी स्किन टोन के हिसाब से आती है, तो अपनी स्किन टोन के हिसाब से आप अपना कंसीलर चूज करिए, बाकी मेकअप करने का तरीका सेम होता है, ओके। स्किन कलर जैसे मीडियम है तो मीडियम कलर की कंसीलर फाउंडेशन सब कुछ आपकी स्किन टोन के हिसाब से मिलता है। आई शेडो मैंने यहाँ पे सीमर यहाँ पे अप्लाई किया, उससे अच्छा सा ग्लो सी सा मतलब शाइनिंग सा लुक आ जाता है आई मेकअप का, ओके। इस तरीके से कभी भी मस्कारा लगाते हैं तो आईब्रो को आपको खुलवाना नहीं है, इस तरीके से ऊपर से खींच के और ऐसे आप अप्लाई करोगे तो मस्कारा लगाने में आपको आसानी होगा, ओके। तो इस तरीके से मस्कारा मैंने इस वाले आईज पे लगा दिया, देखिए मस्कारा लगाने के बाद से आईलैशेस कितनी घनी दिखती है। दूसरी आईज पे भी मैं अप्लाई कर ले रही हूँ, तो इस तरीके से मस्कारा लगा लिया है। अभी हम लोग लैक्मे 925 का ही लाइनर यूज करेंगे, तो लाइनर को किस इस तरीके से अप्लाई करना है, जो अपने क्रीज एरिया पे आई शेडो अप्लाई किया था वो जस्ट लोअर आई लैसेस पे भी लगाना है, इससे मेकअप का लुक अच्छा आता है। आप स्किप भी कर सकते हो, इन्होंने यहाँ पे नहीं लगवाया था तो मैंने नहीं लगाया है, ओके। अच्छे से यहाँ पे आई शेडो लगा देना है, अगर आपको ये मेकअप मेरे ऊपर देखना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं अपने ऊपर करके भी बता दूँगी। जब आप आई लैसेज लगाओगे तो कस्टमर की आँखें बंद रखवानी है, और इस तरीके से आई ग्लू लगाने के बाद से 5-10 सेकंड तक छोड़ना है, उसके बाद से ऐसे आप इजीली लगा लोगे आई लैसेज, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोनों आंखों पे इस तरीके से आपको आई लैस लगा देनी है, ओके। लगी गाइस जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ओके। आई होप अच्छी लगी होंगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इस तरीके से आप सांवले लोगों पे मेकअप कर सकते हो, बहुत ही प्यारा लुक आएगा। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इन ब्राइडल का आई मेकअप भी अच्छा लगा हो, अगर ये प्यारी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, और जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा लगा आप लोग को आई मेकअप, और भी कुछ सीखना हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो वीडियो समाप्त करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो का, अपना ध्यान रखिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।